बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जीएम इन किचन में बनाएंगे चिकन मलाई कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। अभी हम बनाएंगे 1 किलो गोश्त लिया। चिकन मलाई कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक हसबे जायका, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच धनिया और 1 चम्मच गर्म मसाला पिसा हुआ, 2-4 हरी मिर्चें काट के, 1 प्याली दही, 1 क्रीम आधी प्याली और तकरीबन 4 चम्मच डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, चलो शुरू करते हैं। चिकन को पहले हमने फ्राई नहीं करना, पानी में पकाएंगे इसको। चिकन डालते हैं, लो फ्लेम नहीं रखना, थोड़ा सा हाई रखना है और तकरीबन 2 गिलास हम पानी डाल देंगे। 2 गिलास पानी डालेंगे और 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे बड़े अच्छे से। ये देखें, इसमें 2 गिलास पानी डाला है, इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल, डाल दिया। अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट। इसको घी में नहीं पकाना, चिकन मलाई कढ़ाई को वो गोटियाँ ब्राउन हो जाती हैं फिर वो मज़ा नहीं रहता कढ़ाई का। बहुत ज़बरदस्त चिकन वाइट कढ़ाई बनने वाली है। देखिए इसको 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है जी। अब इसको हम ऊपर से ढांक देंगे, 10 12 मिनट हो चले या हम इसको खोलेंगे तकरीबन पानी खुश्क हो जाए सारा। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 4 से 5 चम्मच है, 1 किलो में डाले हैं। हम इसको 3-4 मिनट मजीद पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक काली मिर्च धनिया मसाला पीसा हुआ और कुटी ये कटी हुई सब्ज़ मिर्च ये डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें दही डालेंगे। चिकन मलाई कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मसाले वगैरह डाल के हमने इसको 2-3 मिनट भून लिया। अब इसमें डालेंगे हम दही 1 प्याली, 4 से 5 मिनट मजीद पकाएंगे। 5 मिनट पकाया, अब हम आंच कर देंगे लो। अगर क्रीम डालनी है, अगर लो आंच नहीं करेंगे तो क्रीम फट जाती है। ये देखो बहुत ज़बरदस्त हमारी चिकन मलाई कढ़ाई बनेगी शनवारी स्टाइल, बहुत मज़ा आएगा। 1-2 मिनट पका के चूल्हे को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी हमारी चिकन मलाई कढ़ाई बन के तैयार होगी। डिश आउट की हुई है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप भी घर में बनाया करें, बहुत मज़े की बनती है। ये अभी हम खाएंगे, माशाल्लाह।